आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। बेतिहाता स्थित लाइव डायग्नोस्टिक सेंटर के चिकित्सक से हुई लूट का एसएसपी ने किया सनसनीखेज खुलासा। चार अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। लूट का 1,94,000 रुपए, मोटरसाइकिल और एक तमंचा व कारतूस किया बरामद। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए 26 जून को होगा नामांकन, 29 जून को नाम वापसी एवं 3 जुलाई को मतदान होगा और परिणाम होगा घोषित। तैयारियां पूरी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, अपराधियों की गोपनीय सूचना देने वालों की सुविधा के लिए पुलिस कार्यालय में एक स्पेशल यूनिट किया जा रहा है स्थापित। अपराधियों की सूचना देने वालों का नाम रखा जाएगा गोपनीय। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई संभावित बाढ़ की तैयारियों की मंडलीय समीक्षा बैठक। कहा, बाढ़ से बचाव संबंधित सभी तैयारियां कर ले पूरी, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं। जनपद में 15 साल के पुराने अपराधियों की हिस्ट्री खंगाल रही है पुलिस। एसएसपी ने कहा, अपराधियों के गतिविधियों पर भी रखी जा रही है निगरानी, जिससे अपराध पर लग सके लगाम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव कृषि ने जैविक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक खादों के कम से कम प्रयोग को लेकर की समीक्षा। किसानों को दी गई उत्तम खेती की जानकारी। 3 जुलाई को होने वाले जिला पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, सुरक्षा व्यवस्था का है पुख्ता इंतजाम, अराजक तत्वों पर रहेगी पैनी नजर। 1975 में देश में आपातकाल लागू करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने मनाया काला दिवस। लोकतंत्र सेनानियों को किया सम्मानित। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, आने वाली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए आपातकाल की विभीषिका। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,264। अब तक 841 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 90 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। आरपीएफ 44 बैच के प्रशिक्षु आरसीओ के दीक्षांत परेड समारोह का प्रशिक्षण केंद्र रजही कैंप में किया गया आयोजन। आरपीएफ के मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने दीक्षांत परेड के लिए सलामी। आरसी प्रशिक्षुओं को दिलाया कर्तव्य निष्ठा की शपथ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मंडल महासचिव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने के संबंध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। सिटी मजिस्ट्रेट को मांगों को पूरा करने की मांग। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित कुल 209 केंद्रों पर 28,517 लोगों को लगाया गया कोविड का टीका। सीएमओ ने कहा, निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अधिक कराया गया वैक्सीनेशन। उत्साह के साथ लोग लगवा रहे हैं टीका जीत का। और शुक्रवार को महानगर की सड़कों पर देखने को मिला नाइट कर्फ्यू का आंशिक असर। शनिवार और रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी। एसपी सिटी ने कहा, 28 स्थानों पर पुलिस करा रही है कर्फ्यू का पालन।